kindly like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Hello everyone, welcome to EDUNOM MEDIA. I'm Lambod, career counselor and admission guidance expert. How to choose best medical college in foreign countries? Yes, काफी students के अंदर confusion से, सर मैं कौन सा country में जाऊँ, कौन सा university या college choose करूँ, जहाँ पे अच्छा quality of education से, जहाँ पे पढ़ाई अच्छा है, जहाँ पे environment अच्छा है, there is so much confusion, not only among the students, among the parents also. Dear students, I will cover up each and everything. What are the advantages? What are the major disadvantages in foreign countries? Before, you know, choosing any topmost medical college in foreign countries, you need to know the proper parameter. On the basis of that, आपको कोई best college choose करना चाहिए, because आपका ये lifetime का सवाल है. So you need to know certain criteria. मैं आज वो highlight करने वाला हूँ. On the basis of this criteria, you can choose. Yes, this college is best for me. I should join. Let's start. Dear students, first of all, you need to check out about WHO, World Health Organization and MCI, Medical Counselling of India. Approved है या नहीं है? That means कोई भी कॉलेज आप choose करने से पहले WHO and MCI approved compulsory होना चाहिए, then you can choose. Second option is that about the study environment. उसी universities में आपको 5 साल 6 साल रहना ही है. वो environment कैसा है, वो quality of education कैसा है, you need to check out properly. वहाँ पे आप question कर सकते हैं, sir मैं तो foreign country अभी तो गया ही नहीं, अभी college visit नहीं किया, मेरे को कैसे पता लगेगा? Dear students, यही तो most important point है. Students and parents लोग क्या करते हैं, किसी का बातों में आ जाते हैं, बेटा ये college अच्छा है, ये college अच्छा है, ये country अच्छा है. No, आप कोई भी about study environment, about the quality of education choose करने से पहले प्रॉपर काउंसलर या प्रॉपर एजेंट के थ्रू कंसल्ट कीजिए, जो लोगों ने प्रॉपर वेरीफाई किया हुआ है अबाउट द कॉलेजेस, अबाउट द यूनिवर्सिटीज, अबाउट द पर्टिकुलर कंट्री, देन यू कैन चूज. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दैट इज द फैकल्टी. यही फैकल्टी लोग ही आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, यही फैकल्टी होते हैं. जो फैकल्टी उस कंट्रीज में है, क्या इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कैसा है, क्वालिटी ऑफ टैलेंट कैसा है, नॉलेज कैसा है, यू नीड टू चेक आउट. अगर फैकल्टी उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में अच्छा नहीं होंगे, तो आपको एमसीआई या यूएसएमएलई कैसे क्लियर करोगे? जब तक एमसीआई या यूएसएमएलई क्लियर नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है. 5 साल 6 साल करने के बाद कोई फायदा नहीं है. तो डियर स्टूडेंट, बिफोर चूजिंग एनी कॉलेज, यू नीड टू चेक आउट द फैकल्टीज. अगेन सेम क्वेश्चन आपका अंदर अराइज होगा, सर मैं तो अभी तक गया नहीं, फैकल्टी कैसे चेक कर लूं अबाउट द फैकल्टीज एंड ऑल. अगेन वी आर हियर टू गाइड यू, कौन सा कॉलेज में फैकल्टी अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है, वी गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग. किसी का बातों में आके कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये कॉलेज अच्छा है, ये वो लोग बोल रहे हैं, या मेरा रिलेटिव बोल रहे हैं, या मेरे घर के पास कोई कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं इस कंट्री में ये कॉलेज अच्छा है. डियर स्टूडेंट, सॉरी टू से दैट, ये जो एरे गरे एजेंट घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं लोकल सिटीज में, छोटे छोटे शहर में, उनको कुछ नहीं पता होता है, उनके पास एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन कॉलेज होता है, वो बोलते हैं उसी कॉलेज ही बेस्ट है, क्योंकि उनको सिर्फ एडमिशन करना है, उसके बाद टाटा बाय बाय कर लेंगे. ये आपको चूज करना है, किसी के थ्रू आपको फॉरेन कंट्री में एडमिशन करना है. एंड एट द सेम टाइम एडमिशन करने में काम नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट 5-6 साल तक आपके साथ रहना चाहिए. आपको कुछ भी प्रॉब्लम से, चाहे फूडिंग का लेकर हो, हॉस्टल लाइफ का लेकर हो, या एमसीआई कोचिंग का लेकर हो, या एजुकेशन एनवायरमेंट का लेकर हो, या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर हो, कुछ भी सपोर्ट चाहिए आपके साथ, वो काउंसलर, वो एजेंट आपके साथ होना चाहिए 5 से 6 साल. दैट मीन्स आप कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी एजेंट को चूज करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए. आजकल आप देखोगे 2-3 साल 4 साल से लोग आए हैं, मैं देख रहा हूँ, 12 साल का कैरियर में देख रहा हूँ, वो बोलते हैं हमारा फॉरेन में यहाँ पे टाई अप है, हमारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ उस कंट्रीज में है, इस कंट्रीज में कॉलेज है, आपको एडमिशन कर देंगे, उसके बाद गायब. तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, आपको ही चूज करना पड़ेगा कौन आपके लिए जेन्युइन है, कौन आपके लिए फेक है.
इतना मीठी बातें बोल देते हैं, आप आ जाओ आपको फॉरेन कंट्री में एडमिशन दे दूंगा, आपको वीजा बना दूंगा प्रोसेस करके। पर एडमिशन लेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है डियर स्टूडेंट, एडमिशन लेटर के बाद वीजा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। काफी कंट्रीज का वीजा रिजेक्शन भी होता है, एक जैसे यूक्रेन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लास्ट ईयर काफी बच्चे का वीजा यूक्रेन में रिजेक्शन हुआ है। एक बार अगर वीजा रिजेक्शन हो गया 6 महीने तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। That means before choosing any consultant or agent for the particular countries or college, you need to check the proper backgrounds. And the most important point is that about the tuition fee and cost of living. That means किस college का क्या tuition fee है, जो tuition fee दे रहे हैं उसके हिसाब से उस type का quality of education है कि नहीं है, उसके type का environment है कि नहीं है। जो normal tuition fee ले रहे हैं 15 लाख 18 लाख आसपास जो पैकेज ले रहे हैं, कुछ कंट्री में ऐसे भी है 10 से 12 लाख का भी कंप्लीट पैकेज है, तो ये आपको देखना पड़ेगा आपका बजट के हिसाब से। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉरेन कंट्री में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है बजट को लेकर, 2-3 लाख का ऊपर नीचे होगा। उसमें कॉलेज में कंप्रोमाइज मत करना डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कॉलेज में कंप्रोमाइज मत करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फोकस कीजिए, बिकॉज आपको 5-6 साल के बाद इंडिया में आके MCI कोचिंग देना है, MCI क्लियर करना है। दैट मीन्स जो कॉलेज में अच्छा पढ़ाई होगा, अच्छा एनवायरमेंट होगा, अच्छा फैकल्टी होगा, आराम से MCI क्लियर करेंगे। तो दैट मीन्स कॉलेज कंप्रोमाइज मत करना, क्वालिटी में कंप्रोमाइज मत करना, फीस थोड़ा अगर ज्यादा हो लग रहा है आपको ज्यादा है, क्वालिटी अच्छा है वो है दूसरे पर्टिकुलर कॉलेज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अबाउट द हॉस्टल लाइफ, यस कुछ ऐसे भी अगर हॉस्टल प्रॉपर है कि नहीं है, फूडिंग खाना प्रॉपर टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंडियन फूड अवेलेबल है कि नहीं है, यू नीड टू चेक कर अब दैट ऑल्सो। कुछ ऐसे भी कॉलेज है कंट्री है स्टूडेंट जब पहुंच जाते हैं वहाँ पे इंडियन खाना काफ़ी मुश्किल से होता है, सिर्फ हॉस्टल टाइम से मिलता है जो कॉलेज के टाइम में, एंड जब छुट्टी का टाइम होता है संडे या सैटरडे वहाँ पे प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, these are the major parameters before choosing any college or any universities, you need to check care of that. At the same time, सबसे most important point is that जो normally students जाते हैं major countries में, Ukraine, Russia, Armenia, Georgia, Poland, you can say Philippines, Kyrgyzstan, Kazakhstan, China, Nepal, Bangladesh, Germany, Mauritius, these are the major countries students are opt for medical studies in foreign countries. Last year Kyrgyzstan में students गए थे, कुछ कारण के वजह से उनको वापस आना पड़ा क्योंकि कोई फेक एजेंट के बवातों में आ गए थे, 6-6 महीने उनको वेट करना पड़ा। तो सेम वे आपको चूज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे 200 करोड़ का घोटाला हुआ था कैरिबियन आइलैंड में, तो काफी स्टूडेंट्स जो है फंस गए, तो कॉलेज को ही बंद करना पड़ा। So that means, dear students, before choosing any college or any universities, you need to check the proper parameters. Now, again, question arises: how to choose about the best college? Kiska help ke through? Aap koi proper agent ya proper counselor ko chuniye, jo aapko help kare college choose karne ke liye. At the same time, next 5-6 years tak bhi aapko help kare, kuch bhi dikkat na ho aapko, then you should join this college. आप बिलीव नहीं करोगे, यू सरप्राइज टू नो दैट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स उस कंट्री में पढ़ रहे हैं। आपको बस कॉल आया होगा, जैसे आपका गांव का कोई बच्चे गए होंगे, आस पास पड़ोसी से कोई गए होंगे, या कोई दूर दूर का रिश्तेदार का बच्चे गए होंगे, जो भी, या कोई काफ़ी दूर कोई स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट आपको मिल जाते हैं फेसबुक ट्विटर या लिंक्डइन में, बोलते हैं मैं इस कंट्री में पढ़ रहा हूँ, आप आ जाओ उसी कॉलेज में अच्छा है। डियर स्टूडेंट, उनका बातों में भी मत आना, क्योंकि ये जो भी ऐसे कुछ कॉलेजेस है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट आप रिकमेंड कर देते हो आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा। यस, आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा। दैट मींस वो कॉलेज क्वालिटी है या नहीं है कोई गारंटी नहीं दे सकते वो लोग, उनको उसी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए वो बोलते हैं हमारा कॉलेज आ जाओ अच्छा कॉलेज है, बाद में 6 महीने बाद आपको 2-4 महीने बाद ही पता लगेगा वो कॉलेज का क्वालिटी कैसा है। उनका बातों में भी मत आना, वो बोलेंगे हमारी यूनिवर्सिटी अच्छा है, हमारी यूनिवर्सिटी अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ यूनिवर्सिटी सच में अच्छा है,
बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे है वो स्टूडेंट ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं, स्टिल आपको रिकमेंड कर रहे हैं आ जाओ हमारे कॉलेज में पढ़ाई कर लो। तो डियर स्टूडेंट, उनका बातों में आने से पहले वो कॉलेज का बैकग्राउंड, कॉलेज का क्वालिटी चेक कर लो। अगर लग रहा है वही कॉलेज अच्छा है, गो अहेड विद दिस कॉलेज, अदरवाइज मत जाओ। आपका लाइफ टाइम का सवाल है, किसी का बातों में मत आओ। यू आर ऑलरेडी स्मार्ट एनफ डियर स्टूडेंट्स, अब खुद ही चूज कर सकते हो कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी एक्चुअली बेस्ट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, और कोई एजेंट या कंसल्टेंट्स को अप्रोच कर रहे हो कोई 2-3 सिटीज में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्या वो जेन्युइनली सही है। नहीं तो एरे गरे कंसल्टेंट के बातों में आप आके आप एडमिशन ले लेते हो, बाद में आप पछताओगे। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, सर बोल रहे थे मेरे को, सर लास्ट ईयर मैंने किसी मेरा कोई रिलेटिव का बच्चे को मैं रिकमेंड कर दिया था, उनके बातों में आकर हमारे घर के पास ही वो ऑफिस था उनका, वो बैठ रहे थे, उसके बाद उनका बातों में आकर फौरन भेज दिए, अभी हम रो रहे हैं, वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हॉस्टल के लिए बच्चा परेशान हो रहा है। लाइक दिस आपको ही चूज करना पड़ेगा, किसी के थ्रू फॉरेन जाना है भाई, कोई इंडिया में ये नहीं, कोई हलवा नहीं है भाई, फॉरेन कंट्री भेज रहे हो डॉक्टर बनने के लिए, आपका ऐसे कॉलेज चूज करना चाहिए, ऐसे एजेंट, ऐसे कंपनी के थ्रू जाना चाहिए जिस कंपनी का कुछ बैकग्राउंड है, कुछ ब्रांड वैल्यू है, कुछ नाम लोग जानते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, एडूनम जो है पिछले 12 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को जेन्युइनली सर्विस दे रहे हैं। हम आपको एडमिशन, स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कुछ लोग होते हैं आप आचो एडमिशन दे देंगे, हमारा काम शुरू होता है एडमिशन के बाद। एडमिशन के बाद भी जो 5-6 साल बच्चा रहना उस कंट्री में, कैसे क्या, कुछ भी शिकायत नहीं मिलेगा पढ़ाई को लेकर, हॉस्टल को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, फैकल्टीज को लेकर, दैट इज आई एम गिविंग गारंटी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिस इज माय कमिटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री एनी कॉलेज, प्लीज कंसल्ट अस, वी कैन गारंटी यू आपको सर्विस में कोई शिकायत नहीं मिलेगा, एडमिशन को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, एनवायरमेंट लेकर हो, या फैकल्टी को लेकर हो, या खाने या हॉस्टल लाइफ को लेकर हो, विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। डियर स्टूडेंट, कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी क्वेरीज, हाउ टू चूज बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन फॉरेन कंट्रीज, प्लीज मेल योर क्वेरीज edunommedia@gmail.com, विल डेफिनेटली हेल्प इट आउट। Thank you, students. Kindly like, share, and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon.